और मिश्रा जी का भी मैं स्वागत करता हूं जो लगातार गंगा पर तो चिंता करती है साथ साथ और भी चीजों पर महिलाओं को कैसे मुख्य रास्ते पर लाया जा सकता है उस पर भी अपने विचार रखते हैं। श्री विशाल गौरव जी, राहुल रंजन जी और हजारों की संख्या में पूरे बिहार से, खासकर बांका के इलाके से, बक्सर के इलाके से, भागलपुर के इलाके से, मोतिहारी के इलाके से, मोकामा के इलाके से जो आज एक बड़ी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, मैं सभी लोगों का पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। और इस विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज जो बिहार है उस बिहार को बदलना है और बदलाव की ओर खड़ा है पूरा बिहार। आज बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है यह किसी से छुपा हुआ नहीं। प्रत्येक दिन लगभग 20 से अधिक लोगों की हत्या होती है। इस पर चिंता करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री न तैयार है न सोचने के लिए तैयार है। और दूसरी जो पार्टी सहयोगी है वो तो स्वयं ही गुंडों की पार्टी है, उस पर बात ही करना बेकार है। क्योंकि पूरा जो पार्टी का प्रदेश आप देखेंगे तो या तो भ्रष्टाचार दिखेगा या अपराधी दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कंधे पर बैठाकर बिहार में 5 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, वो व्यक्ति भी बिहार के विकास से अपने आप को खुशो दूर पा रहे हैं। कोई चिंता नहीं हुई। देखिए, विकास की किरण तभी बिहार में पहुंचेगा या रोजगार की चिंता होती है तो ये पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर से ही हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर यदि ठीक होगा तो सरकार की तरफ आप नहीं देखेंगे, स्वयं रोजगार खड़ा हो जाए, बिजनेस खड़ा हो जाएंगे और बिजनेस करने वाले लोग भी बिहार आएंगे। लेकिन आज बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही है, रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, कई बैंकों को लूटने का काम किया जा रहा है। क्योंकि उनके चिंता में है कि हम जेट प्लेन से घूमकर दूसरे के यहां चाय नाश्ता करके प्रधानमंत्री बन जाए। कल हमने इसलिए ट्वीट किया था कि नीतीश बाबू की चिंता हो रही है कि अब उनका क्या होगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, अब तो नीतीश कुमार जी का कोई दूसरा फ्रंट भी नहीं बनने वाला है, तीसरा फ्रंट भी आदरणीय पटनायक जी ने पूरा पोल खोल दिया कि कोई तीसरे मोर्चे की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए बिहार की चिंता करनी है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से 24 में बैठे और बिहार से 40 की 40 सीट जीत कर जाए, ये कल्पना के साथ आप तमाम लोग आए हैं, उत्तम स्वागत करना चाहते। और इतना स्वस्थ रहिए कि राष्ट्रीय जनता दल तो कुछ बचेगा लेकिन 25 आते आते, 24 तक आधी खाली हो और 25 आते आते जनता दल यू का पूरे बिहार से नामो निशान मिल जाएगा। वो लोग मीट चावल खिला रहे हैं, शराब परोस रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करें, लेकिन हजारों की संख्या में मीट चावल खिलाया जा रहा है, लोगों को शराब प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जनता सब देखती है, नीतीश कुमार जी आपको इसका जवाब 24 और 25 में जनता स्वयं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।